सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। इसके आपको भी कुछ इस तरह का फोटो एडिटिंग करना सीखना है तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, और चैनल पे पहली बार आए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे रख देना है डेली इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस लेट्स बिगिन इन द वीडियो। जस्ट हम लोग को ये वाले बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है पिक्सआर्ट में। पिक्सआर्ट में ओपन करने के बाद जस्ट करना क्या, हम लोग को आ जाना टूल्स पे और यहाँ से मिल जाएगा एक रिसाइज का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से हम लोग को रिसाइज कर लेना है मैक्सिमम साइज में। तो मैं करके दिखा देता हूँ आपको सिंपली। यहाँ से हम लोग को 7000 टाइप करके यहाँ से देख सकते हो मैक्सिमम साइज आ जाएगा 3099 में रिसाइज कर लेना है। रिसाइज करने से होगा क्या, इस बैकग्राउंड का पिक्सल इंक्रीज हो जाएगा, एडिट करने के बाद बैकग्राउंड एक नंबर लगेगा। इस तरह से ऐड करने के बाद सिंपली करना क्या, आ जाना हमको सिंपली ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे और अपने मॉडल का एक पहला फोटो को ऐड कर लेना जो कि बैकग्राउंड रिमूव रहेगा। अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता है तो मैंने इसकी भी ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जो कि आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मेक श्योर गाइस आप वो वीडियो देख लेना, आपके लिए हेल्पफुल होगा। बैकग्राउंड रिमूव करना एक ही क्लिक पे मैंने वहाँ सिखा रखा है। इस तरह से ऐड कर लेना एक पहला हम लोग को फोटो। अब करना क्या, सिंपली हम लोग को स्क्रॉल करके आ जाना इफेक्ट वाले टूल पे और यहाँ से हम लोग को एक ऑप्शन मिल जाएगा देख सकते हो आर्टिस्टिक, इस पर क्लिक कर देना और यहाँ से एक और ऑप्शन मिल जाएगा, मैं दिखा देता हूँ कौन सा, देख सकते हो ये पोस्टर वाला, सिंपली इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद दोबारा इस पर क्लिक करना है और यहाँ से कलर को हम लोग को फुल कर लेना है, डिटेल को फुल कर लेना है और सिंपली यहाँ से देख सकते हो इरेजर के बगल वाले आइकन पर क्लिक करके मर्ज कर लेना है। मर्ज करने के बाद सिंपली करना क्या है, यहाँ से हम लोग को और एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑयल पेंटिंग, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। अब करना क्या है, यहाँ से फेड को हमको हल्का सा इंक्रीज़ कर लेना है, इरेजर पर आ जाना है और यहाँ से अपने गॉगल्स के ऊपर से हटा लेना है, और आप यदि गॉगल्स नहीं पहने तो गाइस अपने आइज़ के ऊपर से इसे इरेज कर लेना। इस तरह से करने के बाद सिंपली यहाँ से डन कर लेना, फिर यहाँ से डन करके बैक हो जाना। अब करना क्या, यहाँ से हल्का सा ऑपेसिटी कम करना है जैसे कि मर्ज हो जाए हम लोग को बैकग्राउंड के ऊपर 80 के आसपास। फिर हम लोग को करना क्या है, यहाँ से ऐड फोटो पे चल जाना है। अब हम लोग को अपने मॉडल का दूसरा फोटो ऐड करना है जो कि वो भी बैकग्राउंड रिमूव रहेगा, तो उसे ऐड कर लेता हूँ फटाक से। कुछ इस तरह से साइज़ को इंक्रीज़ कर लेना है और इसे भी कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद देख सकते हो आप करना क्या, इस पर शैडो बनाना होगा। शैडो कैसे बनाना है, सिंपली अपने मॉडल के ऊपर क्लिक करके यहाँ से शैडो वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ से ऑपेसिटी को हल्का कम करना है, ब्लर को हल्का, फिर पोजीशन वाले ऑप्शन पे आके कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना अच्छे से इस तरह से, सिंपली यहाँ से डन कर लेना। डन करने के बाद आप करना क्या, इसमें थोड़ा बहुत रिटचिंग करना होगा। तो कैसे करना है मैं बता देता हूँ आपको, बैकग्राउंड का लिंक नीचे मिल जाएगा, वहाँ से जाके इजीली डाउनलोड कर लेना, नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करके डीएम कर सकते हो, मैं वहाँ पर भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इस तरह से ऐड करने के बाद करना क्या है, सिंपली हम लोग को आ जाना है यहाँ से फिर से इफेक्ट वाले टूल पे। यहाँ पे मिल जाएगा एक BMW के बगल FX का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके सबसे लास्ट आ जाना है। यहाँ मिल जाएगा एक हम लोग को विग्नेट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके दोबारा इस पर क्लिक करना, यहाँ सिंपली इसको 100 कर लेना साइज को और फेड को हम लोग को कुछ इतना और साइज को हल्का सा कम कर लेना 80 के आसपास कर देना और यहाँ सिंपली कुछ इतना करके डन कर लेना है। अब करना क्या है, इस पर हम लोग को आ जाना टूल्स पे, एडजस्ट पे, हल्का सा आप चाहो तो ब्राइटनेस को इंक्रीज कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा इंक्रीज कर लेना, क्लैरिटी को हल्का सा इंक्रीज, सेचुरेशन को आप चाहो तो हल्का सा इंक्रीज कर सकते हो, ह्यू को नहीं छेड़ना, हाईलाइट को हल्का सा माइनस कर लेना, शैडो को हल्का सा डाउन ही रहने देना और टेम्परेचर को हम लोग को नहीं छेड़ना है, सिंपली ऐसे डन कर लेना है। आप देख सकते हो क्या है, मस्त लग रहा है फोटो। पहले कुछ इस तरह का बैकग्राउंड था, अभी हमको एडिट करके इस तरह कर लिया है। इसे सेव कैसे करना है, सिंपली आ जाना हमको डॉट टूल वाले ऑप्शन पे, 3 डॉट पे सेव इमेज, फोटो हो जाएगा सेव। तो कैसा लगा वीडियो गाइस कमेंट बॉक्स से बताना ना भूलना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे रख देना है डेली इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत गाइस, बाय बाय।